सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि अपने इंस्टाग्राम के लिए ट्रेंडिंग पोस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेंडिंग पोस्ट मेरे भाई बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे पता है मेरे भाई, क्योंकि ना इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। कोई भी पोस्ट होता है ना, उसको ट्रेंडिंग में ले जाना ना मुश्किल लग जाता है। लेकिन मेरे भाई, आज मैं आप सबका सब कुछ आसान कर दूंगा कि ट्रेंडिंग पोस्ट कैसे बनाए। जैसे कि मान के चलिए ये मैं बनाया हूँ, तो ये डालूंगा तो 110% ट्रेंडिंग में जाएगा, क्योंकि कुछ अलग है ये। तो ऐसे कुछ अलग कैसे कर सकते हैं, और PNG वगैरह जो कुछ भी होता है कहाँ से लेंगे आप लोग कि ट्रेंडिंग में जाएगा, और ट्रेंडिंग PNG कहाँ से खोजे तभी तो ट्रेंडिंग में जाएगा मेरा भाई। PNG ही ट्रेंडिंग ना रहे तो कैसे जाएगा। तो मेरे भाई, वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है, तो प्लीज़ यार, आप लोग चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपको ना कोई सा भी नॉर्मल फ़ोटो ले लेना है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर मैं नॉर्मल फ़ोटो ले लिया हूँ। नॉर्मल फ़ोटो को लेने के बाद इसको डायरेक्ट यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर दीजिएगा। मेरे भाई थोड़ा बहुत इधर काम करना है, मैं बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप, मतलब थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई। थोड़ा सा पहले ध्यान से देखिए क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, और उसको थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी है यही है, ठीक है ना। तो मेरे भाई, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ टून इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका एम्बेनियस को बढ़ा दीजिएगा, और यहाँ से आप डन कर दीजिएगा। इतना काम करने के बाद मेरे भाई, थोड़ा सा हमारा फीका सा जो फेस था ना, वो थोड़ा मतलब डार्कनेस में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से कलर ग्रेडिंग में आ जाएगा। डन। इतना काम होने के बाद यहाँ से सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा, और यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा। इतना काम हो जाने के बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ डिटेल का ऑप्शन होगा, डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसका शार्पनेस को इतना पे बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर दीजिएगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, तो थोड़ा सा यहाँ से गौर कीजिएगा ना इस वीडियो को, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाइएगा मेरे भाई, क्या चीज़ कर रहा हूँ कि मेरा पोस्ट ट्रेंडिंग में जाता है। क्योंकि आप सबको पता है मेरे भाई, मेरा अभी 89 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, पीए एडिटर सर्च कर लीजिएगा। तो सिर्फ इसी की वजह से गया है, ये ट्रिक लगाया हूँ मेरे भाई, तभी इतना ज़्यादा फॉलोअर बढ़ा है। तो सबसे पहले ये ओरिजिनल वाले फ़ोटो को ले लेना होगा आपको, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको काम करना होगा, लाइट के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोजर को बढ़ा देना होगा, हाईलाइट को कम करना है, शेडो को बढ़ा देना है। मैं एक डेमो के लिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, और वाइट और ब्लैक्स को इतना पे कर देना है। उसके बाद यहाँ कलर्स के ऊपर आना है, उसके बाद यहाँ मिक्स का ऑप्शन होगा, मिक्स के ऊपर आना है, उसके बाद ये वाला कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन कम करना है, लूनस को बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ ग्रीन कलर को आपको सिलेक्ट करना है, और इसका ह्यू कम करना है, और इसका यहाँ पे सेचुरेशन इतना पे बढ़ा देना है। इतना काम हो जाने के बाद यहाँ ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, सेचुरेशन बढ़ाना है, लूनस को कम कर देना है। इतना काम करने के बाद यहाँ से डन करना है, और उसके बाद यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे भाई, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके क्लियरिटी को बढ़ाना है, टेक्सचर को बढ़ाना है, डेहेज को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना काम कर लेने के बाद मेरे भाई, अब आपको यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है। थोड़ा बहुत इतना काम कर लीजिएगा मेरे भाई, अब मेन बारी आती है कि ट्रेंडिंग पोस्ट कैसे बनाएं। तो मेरे भाई, आप लोग इतना जब काम कर लेते हैं ना, इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस फोटो को डायरेक्ट पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर देना है। और ट्रेंडिंग पोस्ट बनाने के लिए मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग पोस्ट अब यहाँ से बनाना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर लीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ पर हमारा मोबाइल डाटा ऑन हो चुका है। अब मोबाइल डाटा ऑन हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले मेरे भाई अब आपको काम करना है, तो यहाँ स्टिकर में आ जाना है। जैसे ही स्टिकर में आते हैं मेरे भाई, तो अब यहीं से आपको ट्रेंडिंग PNG खोजना है। तो पता कैसे चलेगा कि अभी ट्रेंड में PNG कौन सा है, तो पता चलाने के लिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारा लोडिंग ले रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा मेरे भाई, क्योंकि क्या है ना कि नेट मेरा बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए मेरा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा नेटवर्क का इशू है। तो अभी देखिए फाइनली हमारा नेटवर्क आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई, ऊपर के साइड जितना आएगा ना ऐसे करके, देखिए मेरे बहुत सारा PNG आएगा यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से ना आप कोई सा भी PNG यूज कर लीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए अभी ये लगाएंगे तो ये ट्रेंडिंग में जाएगा, तो इसके ऊपर जैसे ही जस्ट क्लिक करते हैं, ये मान के चलिए ये हो गया, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ से, या मेरे भाई यहाँ पर है एक इंस्टाग्राम का, ये भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा है यहाँ पर। ये सारे चीज़ अगर आप अपने फ़ोटो पे यूज करते हैं ना मेरे भाई, फ़ोटो के अंदर, तो आपका ना पोस्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाने का चांस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई। तो ज़्यादातर मैं अपने फ़ोटो में इसी तरह से यूज करता हूँ मेरे भाई, तो आप लोग भी अपने फ़ोटो में यूज कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर आप ला के सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा परफेक्ट तरीका से मतलब जच गया है, ठीक है ना। यहाँ से इसको क्या करते हैं, डन करते हैं, और मेरे भाई इसी फ़ोटो को आप सेव करके ना इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दीजिए। तो मेरे भाई 110% गारंटी के साथ आपका भी पोस्ट वायरल होगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।